मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्ति के दीप जलाया। शाबाश, वाह वाह वाह, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्ति के दीप जलाया। वतन की माटी में कोई पीड़ित को वो नहीं तकता, वो शहीदी रक्त का अमृत सदा पीती है मिट्टी, सियासत के जहर का भी असर कुछ हो नहीं सकता। शहीदों की भूमि पर मैं खड़ा हूँ, स्वर्गीय लाल सिंह गुर्जर जी की धरती पे खड़ा हूँ, जिसने दिखाया है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है, कविता कैसे लिखी जाती है। मैं चाहता हूँ कि स्वर्गीय लाल सिंह गुर्जर जी की याद में उनको सम्मानित करने के लिए, उनको श्रद्धा नहीं करने के लिए एक बार जोरदार तालियां चर्चा का प्रारंभ करना चाहता हूँ। आज शहीद अमर शहीद हुतात्मा पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर हम ऐसा बात कर रहे हैं। मैं 6 मिनटों से प्रारंभ होना चाहता हूँ। तमाम चिंताओं के बाद इन मंचों पर आने की आवश्यकता क्यों है, मुख्य पंक्तियों से शुरू होता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब दिनकर की रश्मि पर देखी जुगनू की मनमानी, क्या आवश्यकता है मंचों पर आने की। जब दिनकर की रश्मि पर देखी जुगनू की मनमानी, मैंने खुद के लिए कहा था कि सब हमें अब आंसुओं से दूर करना चाहते हैं, सब हमें अब आंसुओं से दूर करना चाहते हैं, और हम हर एक पीड़ा आग वरना चाहते हैं, धूप का देकर हवाला सब हमें घर में बिठाते। कहाँ करता सुनने वाले को पता ना, धूप का देकर हवाला सब हमें घर में बिठाते, हम रोज उनकी मांग पर सिंदूर की रश्मि पर देखी जुगनू की मनमानी, और बताया गया जो पापी गंगा का पावन पानी, तो निकल पड़ा में तंगनाज करने हकलाती वाली ते, सुप्त सिरावे चेतनता भरने कविता कल्याणी ते, मैं पीड़ा की अग्नि पे राष्ट्र के ख्वाब पकाया करता हूँ। अगली एक पंक्ति में कविता हो जाए तो मन बनता हूँ आपका स्वागत स्वागत। मैं पीड़ा की अग्नि पे राष्ट्र के ख्वाब पकाया करता हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्ति के दीप जलाया। शाबाश, वाह वाह वाह, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्ति के दीप जलाया। आवश्यकता राष्ट्रभक्ति के दीप जलाने की, महाराज की पुण्यतिथि पे खड़े हैं। कौन था आजाद? वाह, एक महिला मुख्यमंत्री ने कह दिया यूपी में, वो आजाद, कौन आजाद? आतंकवादी। मैं हिम्मत में जवाब देना चाहता, कौन था आजाद? मैंने कहा कि जो आंखों में आजादी के सपने लेकर बैठा था, जो आंखों में आजादी के सपने लेकर बैठा था, जो अंतर्मन के कंदन में आग लगाता रहता था, जिसने धमनी और सिरावे ज्वाला एक जलाई थी, तांडव करती वहा एक शिव शंकर सी तो वहां, तांडव जिसकी उंकारों को सुनकर कोयल भी थर्राते थे, जहां गुजरता था वो शिखर वहां पर ही आ जाते थे, जहां गुजरता था वो शिखर वहां पर ही आ जाते थे, जिसका नारा अंतिम क्षण तक भारत जिंदाबाद रहा, वो था आजादी का नायक मोह तलक के आवाज। वाह वाह, सब कह रहे तब बजना।
बताना चाहता हूँ, देश में तमाम तरह की विषमताएं हैं, राजनीति अपना काम कर रही है। मैंने कहा इस देश में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। किसी जुगनू की हट पर ये दिवाकर रो नहीं सकता, इसलिए कह दिया कि देश में आदमी आजाद तो आतंकवादी थे, पता नहीं भगवा आतंकवाद। चार पंक्ति में जवाब देना चाहता हूँ। बोला की अच्छी जनता के बीच लगा कि जुगनू की हट पर ये दिवाकर रो नहीं सकता, किसी जुगनू की हट पर ये दिवाकर रो नहीं सकता, किसी जुगनू की हट पर ये दिवाकर रो नहीं सकता। वतन की माटी में कोई पीड़ित को बो नहीं सकता, और शहीदी रक्त का अमृत सदा पीती है मिट्टी, सियासत के जहर का भी असर छोड़ नहीं सकता, सियासत के जहर का भी असर कुछ हो नहीं सकता, जो नहीं हो सकता के अंधेरे के गुनाह के रस मिया मंजिल नहीं होगी, अंधेरे के गुनाह के रस मिया मंजिल नहीं होगी, कभी भी स्कूल के कारण कली दंडित नहीं होगी, कभी भी स्कूल के कारण कली दंडित नहीं होगी, तो हिंदुस्तान की मुराद मेरे सीने में रखी है, लचो साइलेंट कितने भी वहां खंडित नहीं।